के अलावा अदिति के कातिल का सच जानता ही कौन है? रणवीर ने मेरी बच्ची पे हमला किया, अगर कबीर को ये बात पता चल गई ना तुम्हारी खैर नहीं। ये लड़की अकेले में क्या बड़बड़ा रही है? जरूर अदिति के भूत के साथ बड़बड़ा रही है। मुझे कुछ करना होगा। आपको रणवीर के पीछे नहीं जाना चाहिए था। ये लोग बहुत खतरनाक है बेटा। एक तो माई के काले जादू की वजह से मैं भी इस घर से बाहर निकल के आपकी मदद नहीं कर सकती। आपको ये बात नहीं भूलनी है। हाँ प्रॉमिस करो मुझे कि आप ऐसा फिर कभी नहीं करेंगी। माँ पर दिन में तो गिनी बेटा अकेले में किससे बात कर रही हो? माँ से। बेटा पापा से कुछ? बेटा तुम्हारा वहम है, चलो मेरे साथ। नहीं पापा, दस चलने के बाद मैं माँ से बात कर सकती हूँ। मैं रोज बात करती हूँ। किन्नी बेटा चुप रहिए। पापा आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि वो माँच वाला आदमी कौन था? वो रणवीर चाचू थे। माई इजा और रणवीर चाचू से हम दोनों को खतरा है पापा। मना किया था ना मैंने आपसे, आप फिर भी कबीर को सब कुछ बता दिया। कभी आपकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। गिनी ये तुम क्या बोले जा रही हो? अपने चाचू ईजा और माई के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? पापा मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप रणवीर चाचू का हाथ देख लीजिए। मैंने उनसे बचने के लिए उनको काटा। रणवीर, रणवीर, रणवीर नीचे आओ। कबीर बेटा क्या बात है, आप इतने गुस्सा क्यों हैं? रणवीर, रणवीर मुझे बताइए तो कि क्या हुआ है? रणवीर नीचे आओ जल्दी। हे भगवान, जरूर इस लड़की ने रणवीर के बारे में सब बता दिया है। जी भैया बोलिए, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? अपना हाथ दिखाओ। आई सेड अपना हाथ दिखाओ।
बताइए ना, आखिर बात क्या हुई? आपने मेरे हाथों पे क्या देखा? क्या बात है कबीर, इससे पहले मैंने कभी आपको इतने गुस्से में नहीं देखा था। आज क्या हो गया और आप रणवीर के हाथ पे क्या देखना चाहते थे? रानी, किन्हीं को देखना? क्या हुआ बेटा? पल पल हर पल बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है ईचा और रणवीर के बीच में, पर एक्चुअल में मामले का सिर और पैर किधर है ये नहीं दिख रहा। क्या किया आपने गिन्नी? मना किया था मैंने आपसे कि पापा से कुछ मत कहना, हम जानती नहीं है कि ऐसा करके आपने ईचा की चाल को और भी मजबूत कर दिया, वो इसका फायदा उठाए बिना नहीं रहेंगी। परिवार में जो भी घटना घटती है उसका दिलो दिमाग पर असर तो होता ही है ना। हम बड़े तो संभल सकते हैं लेकिन अक्सर बच्चे इसका शिकार बन जाते हैं। बेटा अकेले में किससे बात कर रही हो? माँ से। बेटा है तुम्हारा बहन। माँ से बात कर सकती हूँ, मैं रोज बात करती हूँ। वो अपनी दुनिया में रहने लगा था, कुछ कहानियां बनाता था, कहता था कि उसके पापा उससे बात करते हैं, उससे मिलते हैं। माई ईचा और रणवीर चाचू से हम दोनों को खतरा है पापा। ईचा और रणवीर चाचू ने मिलकर मेरी माँ को मारा है। उस बच्चे को पागल खाने में भेजना पड़ा और कोई चारा नहीं था उनके पास। कबीर बेटा ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक भाई दूसरे भाई की तलाशी ले, शक करे उस? देखिए कबीर, हम एक परिवार में एक साथ रह रहे हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ईचा जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I'm sorry। नहीं कबीर, ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये गिनी ने आपको कुछ कहानी बताई होगी ना, मैं जानती हूँ गिनी ने ही ये कहानी बनाई होगी जिसमें रणवीर होंगे और उन्होंने उस कहानी में कुछ गलत किया होगा, है ना कबीर? देखिए कल घर का कोई और सदस्य इस कहानी में हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, माई हो सकती है, भानु भैया, गट्टू भी हो सकता है। कबीर, डॉक्टर अग्रवाल ने मुझसे कहा था कि ये ऐसे जो मरीज होते हैं वो ऐसी अजीब अजीब कहानियां बनाते रहते हैं और इन कहानियों में वो खुद को एक बेचारा पात्र बना के रखते हैं और ऐसे मरीजों को डॉक्टर की निगरानी में रखना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं चाहती हूँ कि कल सुबह आप डॉक्टर अग्रवाल से खुद मिलिए, उसे बात कीजिए, फिर आप जो फैसला लेंगे मुझे मंजूर। ठीक है, अब आप आराम कीजिए, कल सुबह बात करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट टीचर। डिनर रेडी है, चलो खाना खा लो। चाची मुझे भूख नहीं है। अगर गिन्नी खाना नहीं खाएगी तो गिन्नी को ताकत कैसे मिलेगी? चाची मेरा मन नहीं है। तो एक काम कर, पहले मैं नीचे जाके सबको डिनर परोस देती हूँ, उसके बाद आप और मैं मेरे रूम में बैठ के आराम से खाना खाएंगे, हो सकता है तब तक गिन्नी को भूख भी लग जाए, है ना? चलो अभी आप कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ। Thank you.
पापा के पास थी, बहुत परेशान है। आपसे मैंने कहा था ना कि आप पापा से कुछ मत कहना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। भतीजा इस मौके का फायदा उठा रही है और कभी उनकी बातों में आ रहे हैं। माँ पापा बहुत बुरे हैं ना, वो मेरी बात नहीं मानते, बुरे लोगों की बात मानते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे आके कोई ये कहे कि आपकी माँ बुरी है तो क्या आप उनकी बात मानेंगे? नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, क्योंकि आपने भी वही गलती की है। इस दुनिया का हर इंसान अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा भरोसा करता है, इसीलिए कोई भी इंसान अपनी माँ के बारे में बुरी बात नहीं सुन सकता। आप समझ रही है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? अब बताइए आपने गलती की है कि नहीं? बेटा अब आपको अपनी गलती सुधारनी होगी, पापा से माफी मांगकर उनका भरोसा जीतना है। आप उनसे कहेंगी कि आप आज के बाद ईजा या परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में ना ही कोई बुरी बात कहेंगी और ना ही कभी किसी पे इल्जाम लगाएंगी। ठीक है माँ। इल्जाम तो हम लगाएंगे बेटा, लेकिन तब जब उसे साबित करने के लिए हमारे पास ठोस सबूत होगा, क्योंकि दुनिया का हर इंसान अपनी आंखों देखी चीज पे जल्दी भरोसा करता है। समझ लो कि हमें अपनी सच्चाई किसी को बतानी नहीं, दिखानी है। गिन्नी मैंने भी कई बार पापा को ईजा की सच्चाई बताने की कोशिश की, उन्होंने मेरी बात पे कभी भरोसा नहीं किया। समझ लो कि अब मेरा अधूरा काम आपको पूरा करना है, लेकिन बहुत सोच समझ कर। मामा अब चलकर अपने पापा से माफी मांगिए।